के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी तमिल संगम फुटबॉल मैच संपन्न, महिला वर्ग में यूपी ने मारी बाजी, पुरुष वर्ग का मैच हुआ ड्रा। सांसद अतुल राय को दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रकरण में मिली जमानत। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को एक वर्ष पूरा होने पर शिव बारात समिति निकालेगी शोभा यात्रा। और सामाजिक संगठनों द्वारा बाल विवाह पर आयोजित की गई परिचर्चा। और अब खबरें विस्तार से। सांसद अतुल राय को दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए कथित उकसाने के मामले में जमानत मिली। घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के नैनी जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित घोसी सांसद की विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। अब सिर्फ गैंगस्टर मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि निर्धारित है। यदि इस मामले में भी जमानत मिलती है तो सांसद के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस संदर्भ में सांसद के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा है कि आरोपित साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। विचरण के दौरान हर तारीख पर खुद या अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में हाजिर रहेगा और आरोपित का अंतिम बयान दर्ज होते समय बिना विलंब के कोर्ट में हाजिर रहेगा। सांसद अतुल राय को जो एक फर्जी मुकदमे में प्रशासन के दबाव में मुलजिम बनाया गया था, उसमें न्यायालय द्वारा उनको जो है राहत दी गई है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि रेप पीड़िता थी और उसके पुरुष मित्र द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या किया गया था। आत्महत्या के उपरांत जो है एसआईटी के गठन के उपरांत एक लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अमरेश सिंह तत्कालीन सीओ अमरेश सिंह बघेल को मुलजिम बनाया गया था। जेल में रहने के दौरान अतुल राय को उस मुकदमे में अमरेश सिंह बघेल के मुकदमे में तलब करके उनको 120 बी के तहत मुलजिम बनाया गया था, जिस मुकदमे की जो है कल एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत उस मुकदमे में अतुल राय को ये पाया गया कि अतुल राय द्वारा कोई आपराधिक षड्यंत्र पीड़िता और पीड़िता के पुरुष मित्र की आत्महत्या के लिए नहीं की गई, जिस आधार पर न्यायालय द्वारा जो है उनको 120 बी के मुकदमे में जो मुलजिम बनाया गया था उसमें जो है उनको जमानत मंजूर कर ली। उनकी जमानत की बात की जाए तो अभी जमानत उनको नहीं मिल पा रही, तो उसमें क्या? आप कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है, सांसद जी के छूटने का रास्ता खुल गया है। एक मुकदमा विचाराधीन जो है गैंगस्टर का है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में, उस मुकदमे की सुनवाई के उपरांत उनके निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। नई रेलवे लाइन के साथ साथ प्लेटफॉर्म, टिकट घर, कैफेटेरिया, पार्किंग आदि सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। विस्तारीकरण के बाद कैंट रेलवे स्टेशन के कैंटोनमेंट वाले दूसरे प्रवेश द्वार की तरफ का नजारा एकदम से बदल जाएगा। एक तरह से यहां नए स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें नई रेल लाइन बिछाने के साथ ही प्लेटफॉर्म और रेलवे ओवरब्रिज तो बनाया ही जा रहा है, साथ ही वेटिंग रूम, वाहन पार्किंग, कैफेटेरिया, टिकट घर आदि का निर्माण भी कराया जा रहा है। विस्तारीकरण के बाद वरुणा पर आदि इलाकों के रेल यात्रियों को काफी सुविधा होगी। यही नहीं, स्टेशन के इंग्लिशिया लाइन वाले प्रवेश द्वार पर भार भी कम होगा। जिस तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहाड़गंज और अजमेरी गेट वाले छोर का समान रूप से विकास हुआ है, कुछ उसी तर्ज पर वाराणसी रेलवे स्टेशन का भी विकास कराया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक सन 2023 के अंत तक काफी कुछ कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसमें नई रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है। रेल विभाग इस विस्तारीकरण के प्रति कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेल मंत्री सहित तमाम रेल अधिकारी आए दिन प्रगति का जायजा लेने आते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को एक वर्ष पूरा होने पर शिव बारात समिति शोभा यात्रा निकालेगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को एक वर्ष पूरा होने पर शिव बारात समिति ने इसे शिवोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
इसी क्रम में 13 दिसंबर 2022 को भी दोपहर 12 बजे मैदागिन से एक भव्य शोभा यात्रा काशी के शिव भक्तों की तरफ से निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा का विश्राम दोपहर 3 बजे लगभग देड़सी के पुल के पास होगा। इस शोभा यात्रा में मिनी भारत का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। काशी में रहने वाले विभिन्न राज्यों के आमजन, काशी के विशिष्ट जन, साहित्यकार, वकील, डॉक्टर, प्रबुद्ध जन एवं आसन, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं अन्य जगहों के लोग कलाकार शोभा यात्रा में शामिल होंगे। 13 दिसंबर 2021 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का नवनिर्माण करके लोकार्पण किया था। उस बाद भी श्री काशी विश्वनाथ धाम के सम्मान में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस वर्ष एक वर्ष पूरा होने को आ रहा है। शिवोत्सव के रूप में, लोक कार्यक्रम के रूप में, जन जन के कार्यक्रम के रूप में एक विशाल शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे मैदागिन से निकाली जाएगी, जिसका विश्राम 3 बजे डलसी के पुल पे होगा। राजा तालाब में शुद्ध पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं। बजट के अभाव में 2 वर्षों से पेयजल पाइपलाइन शिफ्टिंग और ओवरहेड ट्रैक निर्माण का कार्य लटका हुआ है। लापरवाही व विभाग की उदासीनता के चलते राजा तालाब क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है। स्थानीय अराजी लाइन विकास खंड और तहसील मुख्यालय राजा तालाब में बजट के अभाव में जल निगम ग्रामीण भिकारीपुर गांव स्थित पेयजल पुनर्गठन योजना अंतर्गत ओवरहेड पानी टंकी 2 साल से नया निर्माण व पाइपलाइन शिफ्टिंग अधर में लटका है। सरकार का दावा है कि प्रत्येक परिवार को टोटी से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 2 साल बाद भी पाइपलाइन शिफ्टिंग, नया ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए बजट न मिलने से सरकार के दावों की पोल खुल रही है। इस क्षेत्र में लोग शुद्ध जल पीने के लिए दुकान से पानी खरीदते हैं। वर्ष 1995 से शुरू भिकारीपुर ग्राम पंचायत स्थित पानी टंकी 27 साल पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण जलापूर्ति के दौरान पंप व ट्यूबवेल आए दिन खराब हो जाता है। विभागीय कर्मियों ने जांच की तो मालूम हुआ कि बोरिंग व टंकी सहित पाइपलाइन खराब हो चुकी है। 8 साल पहले विभाग ने लाखों रुपए खर्च करके नया बोर कराकर दूसरा ट्यूबवेल लगा दिया। इसके बाद 2020 में हाईवे 6 लेन चौड़ीकरण में जलापूर्ति की पाइपलाइन भिकारीपुर मेहंदीगंज कशनार गांव में जगह जगह क्षतिग्रस्त होने और नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्राधिकरण और निगम द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया। हाईवे चौड़ीकरण की कार्यदायी संस्था सामान समेटकर चले गए। 2 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी टंकी से जलापूर्ति नहीं मिल पा रही है। कशनार गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता का कहना है कि जलापूर्ति न होने से मेहंदीगंज, भिकारीपुर, कशनार, राजा तालाब, रानी बाजार व परसोपुर गांव के घरों में लगी टोटियां सूखी पड़ी हुई हैं। सार्वजनिक हैंडपंपों का पानी लगातार नीचे उतरता जा रहा है। सड़क किनारे सार्वजनिक स्थलों पर लगे हैंडपंप के सूखने से राहगीरों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता है। निजी समरसेबल पंप लगाए लोगों के यहाँ सुबह शाम पानी भरने वालों की भीड़ लगती है। कहा कि गर्मी के मौसम में पानी खरीद कर पीना पड़ता है। राजा तालाब क्षेत्र में भिखारीपुर से जल निगम से ओवरहेड टैंक से पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन वो काफी पुराना हो चुका है। लगभग 27 साल पुराना ओवरहेड टैंक है, बार बार खराब हो जाता है। सड़क चौड़ीकरण में, हाईवे चौड़ीकरण में जगह जगह पाइप लाइने फट गई है, जिसको पुनः लगाया नहीं गया। नया ओवरहेड टैंक बनाया नहीं गया। अधिकारियों से बातचीत की गई, अधिकारियों ने कहा कि हम प्रस्ताव भेज दिए हैं, धन आवंटन होने के पश्चात ही हम कार्य कराएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, हर घर नल योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, जो राजा तालाब इलाके में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सामाजिक संगठनों द्वारा बाल विवाह पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जो किसी भी बालक या बालिका के न सिर्फ वर्तमान बल्कि उसके पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। यह किसी बालिका के जीवन को, विकास, सुरक्षा और सहभागिता के अधिकारों को पूरी तरह से वंचित कर देता है। उपरोक्त विचार बाल विवाह प्रभावितों की आपबीती कार्यक्रम में विभिन्न पैनलिस्ट ने अपने वक्तव्यों से कही। विभिन्न आयु वर्ग की 11 बालिकाओं व महिलाओं ने अपनी अपनी आप बीती में कम उम्र में हुए विवाह से उनके जीवन में हुई दुश्वारियों पर अपना दर्द बयां किया। अमरपुर बटलोया की फिरोजा
दनियालपुर की चांदनी, राजा तालाब की प्रीति, मुनारी की पूनम आदि ने कम उम्र में विवाह, 18 वर्ष पहले बच्चे, पति और ससुराल की प्रताड़ना और उनसे उत्पन्न दुश्वारियों की चर्चा की। वहीं पुलकोहना की रिया, चंद्रा चौराहे की मनसा, हरिशन घाट की दामिनी आदि ने भी कम उम्र में हुए विवाह, पति के नशे की आदत, घरेलू कलह, लड़के की चाह में लगातार लड़कियों के पैदा होने और उसके कारण ससुराल से निकाल दिए जाने के कारण मायके में भी हो रही उत्पीड़न को बयान करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं रोल मॉडल के रूप में उपस्थित संध्या ने बाल विवाह के दंश से उबर कर पुनः अपने पैरों पर खड़े होने और अन्य को भी राह दिखाने की बात रखी। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रोली सिंह ने प्रत्येक केसेस के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन RSF द्वारा अपनी सहयोगी संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यूथ तथा महिला कल्याण विभाग वाराणसी के सहयोग से पांडेपुर स्थित वन स्टॉप सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य बाल अधिकार आयोग, डांसर पुलिस, महिला कल्याण व अकादमिक क्षेत्र के पैनलिस्ट में उत्पीड़नता बाल विवाह पीड़िताओं की आप बीती सुनकर उस पर अपने विचार व्यक्त किए। की कमी है तो उस चीज को आप और स्प्रेड कीजिए, आप न्यूज चैनल्स पे बार बार फ्लैश कीजिए, अपने अखबार में निकालिए कि ये नंबर है, हमेशा आपको यहाँ डायल करना है जब भी जरूरत पड़े। वहाँ पे भी मान लीजिए सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, आप थाने में जाते हैं, मैंने माना थाने में भी सुनवाई नहीं हुई, महिला प्रकोष्ठ है, ठीक है, महिला प्रकोष्ठ जो है अलग अलग लेवल्स पे है, ठीक है, एक आपको मतलब केंद्रीय यहाँ पे वाराणसी के जो पुलिस आयुक्त के ऑफिस में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी आपको नहीं मिलता है तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सेल है, वहाँ जाइए, वहाँ पे भी नहीं हो रहा, आप NGOs को कांटेक्ट कीजिए, मतलब इतने सारे फोरम्स है कि आप कहीं ना कहीं से तो पहुँच ही जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट ACPs के मतलब जैसे आप मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं या किसी भी ऐसे फोरम पे जाइए, और अगर और कुछ नहीं मिल रहा तो पुलिस आयुक्त के ऑफिस में जाइए, DM सर के यहाँ जाइए, कोर्ट से 153 के थ्रू आप लेके आ सकते हैं, मतलब इतने सारे प्रोविजंस हैं कि आप ये मत सोचिए कि एक दरवाजा बंद हो गया है तो हमारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो मत। बच्चों का बचपना छीन लिया जा रहा है और बच्चे ही हमारा भविष्य है और हमारे राष्ट्र की धरोहर है, और राष्ट्र को अगर मजबूत करना है बहुत ज्यादा मिल जा राष्ट्र को अगर मजबूत करना है तो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को हमें सशक्त बनाना है और उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि उनका सर्वांगीण विकास, जिसका हम लोग बड़ा पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो जगत में चल रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उस विचारधारा के हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का सतत आगे बढ़ते रहें, मजबूत हों शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तभी हम आप भारत के एक धर्मगुरु के लक्ष्य को पा सकते। बांझपन के प्रति जागरूकता हेतु 80 घाट पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। भारत की अर्गणी फर्टिलिटी और IVF श्रृंखलाओं में से एक नोवा IVF फर्टिलिटी ने वाराणसी के 80 घाट में बांझपन और इससे जुड़ी वर्जनाओं को चित्रित करने वाले एक अनोखे नाटक का आयोजन किया। बांझपन सिर्फ एक चिकित्सा स्थिति है और इससे जुड़ी बदनामी को कम करने तथा इस ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक को स्थानीय लोगों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य बांझपन के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना था और यह बताना था कि यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए या दोनों की वजह से होता है तथा इसे ठीक करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। समय पर हस्तक्षेप और परिवार से समर्थन से बांझपन की समस्या से जूझ रहे जोड़ा बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। इसका इलाज नहीं होता है, इसका इलाज तांत्रिक और भूत प्रेत ये सबसे होता है, तो ये गलत है, ये एक मेडिकल चीज है जिसका इलाज हमारे पास उपलब्ध है, और इसके लिए मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी सारे ही कपल्स को जिनको बच्चे नहीं हो रहे शादी के एक साल बाद भी, कि आप जाके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, सही सलाह लीजिए और आपके लिए जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसको समझ के अपने डॉक्टर के साथ जाँच करवाइए और उस चीज का लाभ उठाइए। बनारस में सिग्रा स्टेडियम के पवेलियन का नामो निशान अब खत्म हो जाएगा। प्रकृति का नियम है, जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। यह नियम सजीव और निर्जीव दोनों पे लागू होता है। ऐतिहासिक सिग्रा स्टेडियम का पवेलियन भी इसका अपवाद साबित नहीं हुआ।
लगभग 5 दशक तक खेल और खिलाड़ियों की सेवा के पश्चात अब इसकी विदाई की घड़ी आ पहुंची है। नए स्टेडियम के निर्माण के लिए रास्ता देने के वास्ते इसे तोड़ा जा रहा है। इसे गिराने का ठेका 5 लाख में तय हुआ है। ठेकेदार के कर्मचारी बेदर्दी से इस पर हथौड़ा चला रहे हैं। कोई और देश होता तो शायद इस बिल्डिंग को हेरिटेज की तरह सहेज कर रखता, लेकिन अपने यहाँ ऐसी संवेदनशीलता कहाँ। ठेकेदार ने बताया कि ध्वस्तीकरण के पहले चरण में खिड़की दरवाजे निकाले जा रहे हैं। एक बार यह कार्य संपन्न हो जाए तो फिर इमारत को गिराने में समय नहीं लगेगा। उम्मीद है 1 हफ्ते में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिस पवेलियन की छत पर बैठकर कभी दर्शक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते देखते थे, अब वह इतिहास बन जाएगा। इसी भवन में पहले RSO नीरू कपूर से लेकर वर्तमान RSO RP सिंह का भी दफ्तर हुआ करता था। फिलहाल RSO दफ्तर अस्थायी तौर पर दूसरे भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। सेंट्रल बार के चुनाव का समय नजदीक आने पर कचहरी में अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। जैसे जैसे वकीलों के संगठन सेंट्रल बार का चुनाव नजदीक आ रहा है, तैसे तैसे दीवानी न्यायालय परिसर में वकीलों की गतिविधियां भी तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को परिसर में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में वादकारी तथा बार बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस बारे में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रमेश राय एडवोकेट ने विस्तार से बताया। बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करना, जो कि आज बिगड़ चुका है। दूसरा, सभी अधिवक्ताओं जूनियर सीनियर समकक्ष के वेलफेयर के हेतु कार्य करना, जिसमें प्रमुख रूप से मेडिकल हेल्थ सेवा और इंश्योरेंस सेवा आवश्यक है। तीसरा, नए अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था करना तथा उनके बैठने के लिए स्पेस की व्यवस्था करना कि वो बैठेंगे कहाँ पर। प्रमुख चीज़ हमें जो सही करनी है वो है कि वादकारियों के हित में लिटिगेशन को जो लंबा बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसको कम करना, वकालतनामा जो अधिकतम धनराशि तय की गई है उसको कम से कम करना, जिससे वादकारियों पर भी ये एक अच्छा संदेश जाए कि उनको बिना मतलब का अधिकतम खर्च मात्र वकालतनामा खरीदने के लिए या अधिवक्ता को अपॉइंट करने के लिए न लग सके। बीएचयू में चल रहे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में गरबा और डांडिया ने लोगों का मन मोह लिया। तमिल कलाकारों की कला को लोगों ने खूब सराहा। काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में डांडिया और गरबा नृत्य ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं तमिलनाडु के कलाकारों की कला को दर्शकों ने खूब सराहा। MP थिएटर बीएचयू के मुक्ताकाशी प्रांगण में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु से पधारे गुड़ी अतिथि कलाकारों के समूह द्वारा गायन वादन एवं नृत्य की मनोहारी एवं प्रभावशाली प्रस्तुति का दर्शकों ने जमकर आनंद लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम प्रस्तुति डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्र एवं समूह के सितार वादन की रही। उन्होंने राग किरवानी प्रस्तुत किया। इनके साथ सितार पर श्री शिवान मिश्र, अभिषेक मिश्र तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती और श्रीलंका मिश्र से सहयोग किया। दूसरी प्रस्तुति डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य द्वारा उपशास्त्रीय गायन की रही, जिसमें राग मिश्र पीलू में दादरा सांवरिया प्यारा रे और शिव भजन गाया। सांस्कृतिक संध्या की अंतिम प्रस्तुति ऐतिहासिक ड्रामाल मटुरे विरन मुथमल और महामई की रही, जिसकी प्रस्तुति त्रिची से पधारे से MP सिंगार वेलन ने किया। काशी तमिल संगमम में चल रहा फुटबॉल मैच संपन्न हुआ। महिला वर्ग में यूपी ने बाजी मारी, पुरुष वर्ग का मैच ड्रॉ हुआ। काशी तमिल संगमम में MP थिएटर में शुक्रवार को फुटबॉल मैच का आगाज हुआ। विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि के पद से खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। इसके बाद शुरू हुए मुकाबले में यूपी और तमिलनाडु की महिला खिलाड़ियों ने बेहतरीन पास और लंबे शूट्स दिखाए। खेल की समाप्ति में यूपी की टीम ने 6 और तमिलनाडु की टीम ने 1 गोल किया। खेल के दूसरे सत्र में तमिलनाडु और यूपी की पुरुष टीम मैदान में उतरी। मुख्य अतिथि प्रोफेसर गुलाब जायसवाल अवध विश्वविद्यालय कुलपति एवं अमर प्रसाद रेड्डी BJP खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष तमिलनाडु ने सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया एवं शुभकामनाएं दी। यूपी तमिलनाडु पुरुष वर्ग के मैच में तमिलनाडु ने 1 यूपी ने 1 गोल किया। काशी के लिए बहुत गौरव की बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें देश की दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले संस्कृतियों को साथ में मिलाने का अवसर मिल रहा है ये काशी तमिल संगमम के आयोजन के द्वारा। और आज की जो गतिविधि है उसमें स्पोर्ट्स के द्वारा
स्पोर्ट्समैनशिप आपस में दोस्ती विकसित करती है। तो इस स्पोर्ट्स के द्वारा काशी ये यूपी और तमिलनाडु की टीमें फुटबॉल खेल रही हैं और इसका आनंद हम लोग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज किया गया। और मेरे ख्याल से ये तमाम सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं दो संस्कृतियों को साथ लाने के लिए उसका एक अंश है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसका आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता जॉर्जिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।